नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो फॉग वाला इफेक्ट है वो किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से जनरेट करते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप नए हैं या बिगिनर हैं, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है और आपको ये वेडिंग इवेंट का काम शुरू करना है, तो आपके लिए ये बेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये दो मटके मैंने रखा है। मटके मतलब ये एक स्टील का मटका रहता है, उसके ऊपर पाउडर कोटिंग की है, अंदर में एक हीटिंग कॉइल रहती है जिसको हीटर बोलते हैं, हीटिंग कॉइल है, और ऊपर में ये फ्लावर लगा है और एक मोती की माला है, इस तरह से रहता है, और एक नीचे में एक स्टेनलेस स्टील का स्टैंड लगा रहता है। तो मैंने इसके दोनों के अंदर पानी गर्म किया है यहाँ वायर से, और वायर इसका पानी गर्म करने के बाद ये टेम्परेचर गन है। टेम्परेचर गन से जैसे मैं इसको चेक करता हूँ तो आप देखेंगे 126 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसका टेम्परेचर। और ये दोनों में पानी मैंने गर्म करके रखा है और कुछ चीज़ें लिया है, जैसे कि ये टेम्परेचर गन लिया है, दो ये मग्गे लिया है मैंने इसको मेज़र करने के लिए, ड्राई इसको मेज़र करने के लिए, ये मैंने पोर्टेबल विंग बैलेंस लिया है, उसके बाद में एक कटोरी, एक थाली लिया है, कैंची लिया है, और ये बॉक्स है जिसके अंदर थर्माकोल का बॉक्स है जिसके अंदर हम ड्राई आइस को रखते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था छोटा बॉक्स था, ये हेवी ड्यूटी बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, और इसके अंदर हम थर्माकोल के अंदर जो ड्राई आइस रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म रहता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो ड्राई आइस को मैं खोलता हूँ, ये सेलो टेप से हमने पैक किया है ताकि इसका वेपराइजेशन कम हो, और इसको खोलकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो फॉर्म में आता है, एक तो क्रिस्टल वाले फॉर्म में आता है और एक ब्रिक्स वाले फॉर्म में आता है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, इसकी पैकिंग अच्छी है, अच्छी रहना चाहिए और इसकी अच्छी है। ये आपको जैसे भी चाहिए हम आपको डिलीवर कर देते हैं। और इसके अंदर दो टाइप में आता है, एक ब्रिक्स फॉर्म में आता है और एक ग्रेनल्स फॉर्म में आता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये वाला, ये कैरी बैग है और ये कैरी बैग के अंदर ड्राई आइस है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको इसको छूना है तो इस तरह से हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी है, क्योंकि इसका टेम्परेचर -70 डिग्री रहता है तो कोल्ड बर्न हो सकता है, मतलब आपका हाथ जल सकता है। देखिए मैंने हैंड ग्लव्स पहना है, इस तरह से आपको हैंड ग्लव्स पहना है तभी इसको छूना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, देखिए इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो आपको पता चलेगा ये दो अलग अलग टाइप में आता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये इस तरह के फॉर्म में आता है, देख रहे हैं ये क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में आता है। और इसका मैं अभी वेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने जो लाया है उसको कितना हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा छेद बना देता हूँ, इसको मैं ऐसा हुक कर देता हूँ। देखिए अभी ये विंग बैलेंस हम ऑन कर देता हूँ, जैसे ऑन हो गया और इसको मैं खींचता हूँ इस तरह से तो आपको वेट पता चल जाएगा। तो लॉक हो गया है, अभी वेट देखेंगे फ्रेंड्स। तो 1 kg और 35 ग्राम्स है, मतलब 1 kg वेट है। तो मैं आधा केजी करूँगा, आधा केजी इसमें दोनों में डालेंगे तो कितना फॉग जनरेट होता है ये आपको पता चल जाएगा। तो 1 kg हमारा बर्फ है, 1 kg बर्फ को मैं आधे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे हम इसको फिल करते हैं, तो फिल करते समय हमको इसको, ये क्रिस्टल फॉर्म में है फ्रेंड्स, ये जो ड्राई आइस है इसको हम जैसा डालेंगे तो वैसा यहाँ से फॉग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो उसे डालने के लिए पहले से ही ये क्रिस्टल फॉर्म में है तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से मग्गे लेना है, ये देखिए आप मग्गे प्लास्टिक के मिलते हैं, तो इसके अंदर मैं फिल कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों जो पानी के जग है उसके अंदर मैंने ये डाल दिया है। अभी मैं जिसमें जैसे ही इसके अंदर मैं इसको फिल करूँगा तो यहाँ से फॉग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ और अभी डाल देता हूँ इसके अंदर। तो 1 2 3 स्टार्ट, पहले इसमें डाल देता हूँ फिर इसमें डाल देता हूँ, देखिए अभी इसमें डाल देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये किस तरह से धुआं जनरेट हो रहा है, और ये ऐसे शादी इवेंट्स में होता है। तो इस तरह से आप इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए रूम 10x10 का रूम।
ग्रेविटीज़ का लेवल कम हो गया है, धुआं का लेवल कम हो गया है, मतलब ये जो लो फॉग था आप देख सकते हैं पूरा ज़मीन के ऊपर तैर रहा है ये, और ये बढ़िया आसमान जैसे इफेक्ट जनरेट होता है और इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो आपको जब भी ऑर्डर लेना है या आपको इवेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो इसको पेयर के अनुसार इसके रेट रहते हैं, मतलब ये दो यदि लगाते हैं तो उसके दो के अनुसार इसके चार्जेस मिलते हैं। तो जो ड्राई आइस रहता है वो केजी के अनुसार मिलता है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे ड्राई आइस रहता है, और एक आता है जो ब्रिक्स फॉर्म में आता है, मतलब पत्थर जैसे रहता है, ईंट जैसे रहता है। और इस तरह से देखिए मैंने ये फॉग पूरा जनरेट करके दिखा दिया, और ये आजकल ट्रेंडिंग है, आप देखते होंगे बॉलीवुड में शो, बॉलीवुड शोज में, टीवी शोज में और बड़े बड़े इवेंट में ये इस तरह से रहता है। अभी फ्रेंड्स इसका धुआं कम हो गया है, मतलब ये फॉग कम हो गया है, तो इसका मैं टेम्परेचर अभी चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये टेम्परेचर गन है, और ये टेम्परेचर गन से जैसे मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ, देखिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसका, और इसका भी चेक कर देता हूँ, तो इसका भी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा, मेरा 125 डिग्री टेम्परेचर था, यदि आप जितना ज़्यादा पानी गर्म करोगे उतना ज़्यादा फॉग जनरेट हो जाएगा। यह बढ़िया दिखता है,